Oh, you got one. Yes. You got two. Ready? Ooh. Ready? Think you can do this one? That was good, buddy. दुनिया भर में मौजूद सीसीटीवी और मोबाइल फोन कैमराज में कैद कुछ अतरंगी, हैरतअंगेज और मजाकिया घटनाओं से आपको रूबरू करवाने के लिए चलिए शुरू करते हैं इनक्रेडिबल मोमेंट्स कॉट ऑन कैमरा। दिसंबर 2019 के दौरान फ्लोरिडा के रहने वाले इस शख्स के घर किसी के रोने की कुछ ऐसी आवाजें आ रही थी। अब ये आवाजें सुनकर पड़ोसियों ने सोचा कि शायद आदमी के घर में कोई महिला मुसीबत में होगी और शायद उसे मदद की जरूरत भी होगी। ऐसे में पड़ोसियों ने तुरंत प्रभाव से पुलिस को कॉल लगाया और मौके पर आकर जांच करने की मांग की। अब पुलिस मौके पर पहुंची और आदमी से इसके बारे में पूछताछ की, लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो पुलिस वाले भी सर पकड़कर बैठ गए। यहां दरअसल किसी इंसान के रोने की नहीं बल्कि इस शख्स के नए पालतू तोते की आवाजें आ रही थी, जो तरह तरह की आवाजें निकालने में माहिर था। मई 2022 के दौरान दुनिया भर में वायरल हुई इस क्लिप में आप देखेंगे कि एक पैराग्लाइडर ने ऊंची बिल्डिंग के छत पर बगैर परमिशन के लैंडिंग की, लेकिन जनाब ने जैसे ही लैंडिंग की वैसे ही छत पर सिक्योरिटी गार्ड्स पहुंच गए और उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ने लगे। ऐसे में पैराग्लाइडर ने इनसे बचने के लिए क्या किया, एक बार आप खुद देखिए। नदी या तालाब के पास मगरमच्छ मिलना तो आम बात है, लेकिन जिस रोड पर आप चल रहे हैं उसके नीचे क्या आप किसी मगरमच्छ के छिपे होने की कल्पना कर सकते हैं? हाल ही में जुलाई 2023 के दौरान दुनिया भर में वायरल हुई इस क्लिप को देखकर आपको इसकी भी कल्पना करनी पड़ेगी। देखिए कैसे रेस्क्यूअर्स ने सड़क तोड़कर एक नहीं बल्कि तीन तीन मगरमच्छों को बाहर निकाला। पुख्ता तौर पर तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन हो सकता है सड़क के नीचे कोई नाला या टनल रही होगी और उसी में छिपे इन मगरमच्छों को निकालने के लिए रेस्क्यूअर्स को सड़क तोड़नी पड़ी। आपको क्या लगता है कॉमेंट्स में हमें बताना जरूर। आज तक आपने कई जानवरों और इंसानों के बीच गहरे संबंध देखे होंगे, लेकिन अमेरिका के नेब्रास्का में रहने वाले ली मेयर नाम के इन जनाब से मिलिए, जिन्होंने अपने हाउडी डूडी नामक के एक विशालकाय सांड के लिए गाड़ी के पैसेंजर सीट तक तैयार करवा डाली। ली अपने सांड के 7 सालों से इसी तरह घूम रहे हैं, जो कि पहले ही वायरल होने जैसी बात थी, लेकिन अफसोस की ये हाल ही में वायरल उस समय हुई जब उनकी कार को इस तरह मॉडिफाई करवाए जाने के चलते पुलिस ने पकड़ा। गुजरात के गिर नेशनल पार्क के आसपास सड़कों पर शेर देखे जाना साधारण बात है, लेकिन जनवरी 2022 के दौरान अमरेली के धारी गांव में एक सड़क पर शेर दिखा। आसपास खड़े लोगों ने अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के बजाय इसके पास से खड़े होकर वीडियोस बनाना ज्यादा बेहतर समझा। अब लोगों के ऐसा करने के पीछे वजह तो न जाने क्या रही होगी, लेकिन एक जंगली जानवर को इतना करीब से देखने का शौक उनकी जान पर भी भारी पड़ सकता था। एंट्री उतनी ही स्टाइल में मारे जितनी स्टाइल आपके आगे मौजूद दरवाजा झेल सके। सॉरी। रूस के व्लादिवोस्तोक में मौजूद गोल्डन ब्रिज को पार करने पर पेडेस्ट्रियंस को मनाही थी, जिसके चलते कुछ युवकों ने जुगाड़ लगाया और कुछ इस तरह की बस तैयार की ताकि ब्रिज को पार कर अपनी रोजमर्रा को आसान बनाया जा सके, लेकिन बेचारे की फूटी किस्मत के चलते पहले ही दिन पुलिस ने उन्हें देख लिया और ब्रिज के बीच में ही पकड़कर उन्हें सजा दी। Боже, мені трогайте їх. Зачем ви це сделали? ताइवान के एक टीवी चैनल पर चल रहे लाइव गेम शो के दौरान इन मोहतरमा को बलून फोड़ने का टास्क मिला। अब महिला बेचारी ने फोड़ तो नहीं पा रही थी, ऐसे में पासे में खड़े उसके पति ने उसकी हेल्प करने का विचार बनाया और कुछ इस तरह से उससे बलून फोड़वाने लगा। जनाब के चेहरे की रौनक देखकर आपको क्या लगता है, क्या वो सच में पत्नी साहिबा की मदद कर रहे थे या अपने अंदर की भड़ास निकालने की कोशिश, कॉमेंट्स में हमें बताना जरूर। ये जनाब अपनी नई लेजर लाइट से खेलते हुए वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे, इसी बीच महाशय ने अपने लेजर लाइट कैमरा पर फोकस कर दी। नतीजा ये निकला कि लेजर लगते ही कैमरा का लेंस तुरंत खराब हो गया। कुछ ऐसा ही सीन लाइव कॉन्सर्ट में वीडियो बना रहे इन जनाब के साथ भी हुआ।
क्या हो अगर आप अपनी सीलिंग पर बैठी छिपकली को रिकॉर्ड कर रहे हो और तभी इसकी पकड़ ढीली पड़ जाए और ये सीधे आपके मुंह पर गिर पड़े। माना कि आजकल सब चीजें डिजिटल हो चुकी हैं, लेकिन क्या आप हाथ में बनाए मेहंदी में QR स्कैनर बनाए जाने की कल्पना कर सकते हैं? जी हाँ, यश नाम के इन मेहंदी आर्टिस्ट जनाब ने ये कारनामा भी कर दिखाया है। बोतल खोलने के लिए सिर्फ बोतल ओपनर का ही इस्तेमाल करें, वरना जैसे इन जनाब का कांच टूटा वैसे ही आपके भी किसी चीज का नुकसान होते समय नहीं लगेगा। बहुत बढ़िया। दिसंबर 2022 के दौरान इंडोनेशिया के जावा में चल रहे लाइव कॉन्सर्ट में एक शरारती युवक ने सिंगर का हाथ पकड़कर खींच लिया, जिसके चलते सिंगर ने अपना माइक गाने के साथ साथ उसकी पिटाई करने के भी काम में लिया। इन दिनों झांसी के कच्चे बनियान में बैठे लेखपाल साहब का ये वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है, जिसमें लेखपाल साहब के पास एक व्यक्ति काम लेकर आया तो महोदय ने उनसे बेशर्मी से रिश्वत की मांग की, और वो भी कुछ इस तरह कि मानो जैसे कोई बिजनेस डील चल रही हो। पहले तो व्यक्ति ने बहला फुसलाकर पैसे चेक से देने की बात कही, लेकिन बाद में तो लेखपाल साहब पूरे हक से बोल पड़े कि रिश्वत चेक से नहीं बल्कि कैश में ली जाती है, जैसे वो ये धंधा रोज करते हों। कम से कम 50% हमें एडवांस लो। 50% एडवांस लो, ज्यादा है मैं चेक ले लू, और क्या करो, चेक देते हैं हम। चेक लेने की बात अब अगर चेक तो ककट है, रिश्वत थोड़ी चेक में जाती है, रिश्वत तो कैश में जाती है। बहुत पैसा मिलती तो है ना, पैसा 50% दे दो, क्या तो रहे 50% का तुम्हें टाइम मिलिए हम करें करें हम पहले बात करें। और हाल ही में दुनिया भर में वायरल हुई इस क्लिप में आप देखेंगे कि एक कपल के पास दो बाइक सवार चोर आए और लड़की का पर्स छीनने की कोशिश में जुट गए। ये देख लड़की का पति उसे बचाने के बजाय वहां से 9-2-11 हो गया। लड़के ने भागकर चोरों का सॉफ्ट कॉर्नर तो जगा दिया, लेकिन अब बीवी साहिबा उसके साथ क्या करेगी आप सोच ही सकते हैं। जनवरी 2021 के दौरान जापान के सड़कों पर रिकॉर्ड हुई इस क्लिप में आप देखेंगे कि सुशी पटेटो नामक एक ट्विच स्ट्रीमर अपने दर्शकों से बात करते हुए घूम रही थी। इसी दौरान उसके पास कुछ आदमी आए और उसके साथ कुछ फोटोज क्लिक करने की बात कहने लगे। अब शुरुआत में सुशी ने सोचा कि ये उनके कोई फैंस होंगे, वो उनके साथ फोटोज क्लिक करवाने लगी, लेकिन कुछ देर बाद लड़की उसका हाथ साइड हटाने को कहने लगी। इस पर उनका कहना था कि तुम्हारी छाती के आगे तुम्हारा हाथ आ रहा है और उन्हें जैसे पिक्स चाहिए वैसे नहीं आ रही। अब सुशी को कुछ गड़बड़ महसूस होने लगी तो वो बेचारी भागने की कोशिश में जुट गई। गनीमत रही कि कुछ देर चली जोर जबरदस्ती के बाद सुशी का एक साथी मौके पर पहुंच गया, जिसने लड़कों को रोककर सुशी को यहां से घर भेजा। कल्पना कीजिए आप एक हाईवे पर अपनी बाइक चलाने का आनंद ले रहे हैं कि तभी अचानक एक सांप कुछ इस तरह से आपको काटने की कोशिश करे। शॉर्ट ड्रेस का इससे बेहतरीन इस्तेमाल इन मोहतरमा से बेहतर शायद ही किसी ने किया होगा, लेकिन अफसोस कि CCTV ने उसे देख लिया, जिसके चलते बेचारी पकड़ी गई सो गई, पूरी दुनिया के सामने जलील हुई सो अलग। अब जरा मशहूर न्यूज चैनल टाइम्स नाउ नव भारत की जाबाज एंकर से मिलिए, जो साइक्लोन बिपरजॉय की रिपोर्ट करने हेलीकॉप्टर लेकर इसके एकदम करीब तक चली गई। और इसी के साथ टाइम्स नाउ नव भारत का ये हेलीकॉप्टर अब पहुंचा है गुजरात के आसमान की तरफ, जो आपको बताएगा कि समंदर का ये विशाल स्वरूप आखिर किस तरह की हलचल बता रहा है। ये तो कुछ भी नहीं, साइक्लोन बिपरजॉय के दौरान रिपब्लिक भारत वाले तो इतने भावुक हो गए कि इन्होंने तो अपने स्टूडियो में खड़ी एंकर से तूफान में खड़ी होने की एक्टिंग तक करवा डाली। तूफान जो 150 किलोमीटर की रफ्तार से इस वक्त तक होता है, जो हवाएं चल रही हैं कि खड़ा होना बोलना मुश्किल हो रहा है, और जो ये बिपरजॉय तूफान है इसीलिए कहा जा रहा है लोगों से कि बोर्ड से दूर रहिए, हवाएं जो है वो यहां पर खुद को कैसे अब इंसान संभालेगा ये सवाल है, और इसलिए तैयारियां हैं। अंदाजा लगाइए कि
इन्होंने बैकग्राउंड में जो क्लिप चलाई वो भी साइक्लोन बिपरजॉय की नहीं बल्कि सितंबर 2022 के दौरान फ्लोरिडा में आए हरिकेन इयान की थी, जिसके बारे में हम आपको हमारी पिछली नेचर मोमेंट्स वीडियो में बता चुके हैं। जब दुकानदार ने सामान बेचने के साथ साथ चोरों से बचने की भी कला सीखी हो। सितंबर 2014 के दौरान जापान में मौजूद माउंट ओंटाक वोल्केनो फटा। यह वोल्केनो इरप्शन कितना खतरनाक था इसका अनुमान आप इस बात से लगा सकते हैं कि वोल्केनो से निकली राख ने इरप्शन पॉइंट से मिलो दूरी पर मौजूद गांवों तक को राख में डुबा दिया। साथ ही बता दें कि बगैर कोई चेतावनी के फटे इस ज्वालामुखी ने लगभग 30 लोगों की जान ले ली। बहुत सारी ईंटें उठाकर चलने वाले मजदूर तो आपने कई दिखे होंगे, लेकिन इन जनाब से मिलिए जो विशालकाय चट्टान का टुकड़ा अपने कंधे पर लाद कर ले जा सकते हैं। 2018 के दौरान ताइवान में एक बाइक सवार अपनी मस्ती में बाइक राइडिंग कर रहा था, लेकिन तभी सामने आ रहे एक ट्रक से वाटरमेलन गिरना शुरू हो गए। गनीमत ये रही कि एक भी वाटरमेलन उसके सर पर नहीं फूटा, वरना अंजाम थोड़े दर्दनाक भी हो सकती थी। मार्च 2023 के दौरान मध्य प्रदेश के छतरपुर खजुराहो हाईवे पर रॉन्ग साइड में चल रहे इन बाइक सवार से मिलिए, जो खुद तो अपनी गलती से गिरे कोई बात नहीं, लेकिन पीछे बैठी बिचारी पत्नी साहिबा की क्या गलती थी, बिचारी को बेवजह चक्कर खिला दिए। घर घर घूमकर बाल खरीदने वाले व्यापारी तो आपने कभी न कभी जरूर देखे होंगे, लेकिन ये लोग उलझे हुए बालों को आगे भेजने से पहले किस प्रोसेस से गुजारते हैं वो आप इस अगली क्लिप में देख सकते हैं। के दौरान नेपाल में आई बाढ़ के चलते सैकड़ों टूरिस्ट चितवन नेशनल पार्क के करीब होटल्स में फंस गए और गाड़ियां चलने लायक सभी सड़कें डूब चुकी थी। ऐसे में उन्हें बचाने के लिए सरकार ने हाथियों की मदद ली। जानकर हैरत होगी कि इस दौरान हाथियों ने लगभग 600 टूरिस्ट को होटल से निकालकर एयरपोर्ट तक छोड़ने का काम किया था। बता दें कि हाथी पानी में पूरी तरह डूबने के बाद भी उनकी सूंड ऊपर रखते हुए 6 घंटे तक लगातार तैर सकते हैं। इन दिनों सोशल मीडिया पर हैदराबाद पुलिस में कार्यरत एसीपी धनलक्ष्मी की ये क्लिप भी जमकर सुर्खियां बटोर रही हैं। क्लिप में दिखा गया कि धनलक्ष्मी सड़क पर मौजूद एक ड्रेन को साफ कर रही हैं, क्योंकि इसमें कचरा फंस गया जिसके चलते पानी इकट्ठा हो रहा था। अब हालांकि ये काम उनकी ड्यूटी के अधीन तो नहीं आता, लेकिन फिर भी एक समझदार नागरिक होने के चलते उन्होंने अपना फर्ज निभाया। इसके लिए एक लाइक तो बनता है दोस्तों। अक्टूबर 2022 के दौरान मध्य प्रदेश में जबलपुर में एक मंदिर में लगी सीसीटीवी की एक क्लिप जमकर सुर्खियों में आई। क्लिप में देखा गया कि एक चोर मंदिर में चोरी करने आया, लेकिन चोरी करने से जनाब ने भगवान से माफी मांगते हुए हाथ जोड़े और प्रार्थना करने के बाद कैमरा घुमाकर अपना काम निपटाकर चला गया। अब कॉमेंट बॉक्स में आप ही बताइए कि क्या भगवान इन चोर महानुभावों की माफी स्वीकार करेंगे। पाकिस्तान में किसी जगह रिकॉर्ड हुई इस क्लिप में आप देखेंगे कैसे एक चोर ने बंदूक की नोक पर दो लड़कियों से उनके फोन और पर्स चुरा कर ले गया। प्लेन से रिकॉर्ड की गई इस क्लिप में आप देखेंगे कि अल्टो क्यूमुलस क्लाउड्स यानी कुछ इस तरह के दिखने वाले बादलों से सनसेट कैसा दिखाई देता है। नाले में घुसे इन लोगों को देखकर अगर आप भी सोच रहे हैं कि ये सब भले लोग मिलकर सफाई अभियान चला रहे हैं तो माफ कीजिएगा, आप गलत हैं। ये घटना दरअसल मई 2023 के दौरान बिहार की राजधानी पटना से लगभग 150 किलोमीटर दूरी पर मौजूद सासाराम नामक एक कस्बे में उस समय देखने को मिली, जब लोगों को पता चला कि नाले में पैसों के बंडल बहकर आ रहे हैं। जैसे जैसे खबर फैलती गई वैसे वैसे भीड़ बढ़ती गई। अब ये पैसे किसके थे, जानबूझकर फेंके गए या गलती से बह गए थे, इससे जुड़ी कोई भी पुख्ता जानकारी अभी तक सामने नहीं आ पाई। हम आम लोगों के सामने गूगल का डायनासोर वाला गेम आता है तो हम इसे खेलकर कुछ समय के लिए टाइम पास कर लेते हैं, लेकिन क्या हो जब ये गेम एक कंप्यूटर प्रोग्रामर के सामने आ जाए।
धरती के सभी जीव समय के साथ साथ खुद को इवॉल्व करने में जुटे हुए हैं और इस दौड़ में चूहे भी पीछे नहीं हैं। इन्होंने भी अब अपने लिए लगाए जाने वाले ट्रैप से बचना सीख लिया है। देखा ना आपने कैसे एक चूहे ने अपने लिए लगाए गए माउस ट्रैप को रास्ते से हटाया और फिर अपना खाना खाने लगा। एक नजर पाकिस्तान के इन चोरों पर भी डाल लीजिए जो एक ट्रक से तरबूज चोरी करने में जुटे हुए हैं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। सोशल मीडिया पर दिखाए जाने वाले टैलेंट वीडियोस पर कभी भी आंख मूंद कर भरोसा ना करें। क्या पता इन्हें कुछ इस तरह से बनाया गया हो। इन मोहतरमा से मिली जो बरसात के दौरान इकट्ठे हुए पानी में खड़ी रील्स बना रही थी, लेकिन तभी पीछे से एक बाइक वाला पहुंच गया। जंगल में घूमते समय इन बंदरों को भी पता चला कि एक मेंढक भी काफी तेज आवाज निकाल सकता है। इस पर उनके रिएक्शंस क्या थे एक बार आप खुद देखिए। ट्रेन में सफर करते समय अगर आप भी दरवाजे पर खड़े होकर वीडियो बनाने के शौकीन हैं, तो जरा इस घटना को जरूर देख लें, क्योंकि आज जो इस बेचारे के साथ हुआ क्या पता कल आपके साथ भी हो जाए। एक नजर इन जनाब पर डालिए जिनकी सफारी जीप में अचानक एक चीता घुसकर बैठ गया। अब चीता उसे घूर रहा था और वो चीता को। जनाब की किस्मत अच्छी थी कि काफी देर चले तनाव भरे माहौल के बाद भी आखिरकार चीता ने उस पर हमला किए बगैर जाने का विचार बना लिया और चला गया। मंदिर के लिए चढ़ाई चढ़ रहा यह आदमी जब बंदर के लिए कुछ खाने को नहीं लाया तो गुस्साए बंदर ने बेचारे का चश्मा ही छीन लिया। चलिए अंत में आप बोनस के रूप में इस वायरल क्लिप से भी पर्दा उठा देते हैं। अगर आप भी बाकी लोगों की तरह सोच रहे हैं कि ये शख्स बाइक पर लादकर एक लड़की की बॉडी ले जा रहा है, तो बता दें कि ये फोटो ना तो भारत की है और ना ही ये शख्स बाइक पर लादकर किसी डेड बॉडी को ले जा रहा है। फोटो दरअसल इजिप्ट के जागजिक शहर की है और ये दरअसल एक डिलीवरी बॉय था जो कि इसे मैनेकिन यानी पुतले के शोरूम में डिलीवर करने जा रहा था। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। सीरीज को जारी रखने के लिए कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 जरूर लिख दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक एंजॉय विद आर अदर वीडियोज़।